हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। रज संक्रांति, रज संक्रांति जहाँ को आम मिथुन संक्रांति कही था। एही रज संक्रांति दिन छटी राशि भाग्य ही बदलवाक जाकर किस्मत ताला ही फिटिबो, तांकर भाग्य ही चमकिबो। कारण एही दिन रवि मध्य गोचर करुछंती वृष राशिरु मिथुन राशि को गोचर करी, तो सूर्यंकर गोचर प्रत्येक राशि रे किछि ना किछि यार प्रभाव तो पड़ी थाए। एवं सबुठारु बेस्ट हेबी एही छटी राशि, एही छटी राशिर भाग्य ही बदलवाक जाउछि। सूर्य गोचर करुछंती 15 जून 2022 को, जहाँकि वृष राशि मिथुन राशि को गोचर करेंगे। तो आसतु जानवा से भाग्यशाली राशि किए किए अटंती। देखो प्रथम राशि हूँ मिथुन राशि। मिथुन राशि यही समय बहुत भल, नूतन व्यवसाय जदि आप आरंभ करेंगे आपण बहुत ही लाभदायक रे टा हाथ को आसब, आपण बिजनेसटा बहुत भलि चल, एवं बैंक बैलेंस आपणकर बढ़ पर सुख शांति रस खुशी र एवं समय रे आपण जो काम भी करुछंती कौनसी काम रे हाथ छड़ा करंतु नहीं, किंबा कामटा ट्रांसफर करी कहिकि एमती किछि करंतु नहीं। जदि आपण जो काम करुछंती से काम रे ही करुथिबे तो आपण पई आहुरी भाग्य चमकिबो। तो यही समय मिथुन राशि वाला बहुत बढ़िया समय, एवं जो मैंने लव लाइफ रे अछंती विवाह बंधन रे मध्ये बांधि हेबार संभावना रहिछि। तो आसंतु नेक्स्ट राशि विषय जानवा। नेक्स्ट राशि होची तुला राशि। यही रविंकर गोचर आपण बहुत भल, नुआ नुआ जगह को आपण बुलाक जाइबार मानने प्लान बन पारती। आपणकर व्यवसाय एवं चाकरी क्षेत्र में भल लाभ आपण देखा पाइबे, चाकरी पदोन्नति होबार संभावना रही। जो मैंने टेक्सटाइल एवं होटेल जदि करिसंती समय बहुत भल समय, लाभ ही लाभ देखा पाइबे। तेणु समय भल व्यवहार करंतु एवं फलाफल बहुत भल माने मिठालिया आपण फल पाइबे। अर्थात यही रविंकर गोचर आपण बहुत भल रही, आर्थिक दृष्टि बहुत भल रही। आपणकर मनोबल दृढ़ हेब, जो द्वारा आपण जो काम भी हाथ देवे आपण निश्चित भाव से सफल हेबे, एवं लोक मैंने आपण को प्रशंसित करेंगे। यही समय रे आपण किछि नुआ संपत्ति किणी पारिबे जगह जमी। तो यही रविंकर गोचर आपणकर भाग्य ही बदली दबो। नेक्स्ट राशि होची बिछा राशि। यही रज संक्रांति ठारु आपणकर परिवार हस खुशी रहिबो, आपणक स्वास्थ्य भल रहिबो, एवं जमी किंबा संपत्ति जदि ए समय रे जदि किछि भी किणीबा चाहौछन घर फ्लैट किंबा जगह, तो निश्चित भाव आपण बहुत भल रहिबो। किणी पारंती आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो, आपणको बिजनेस भलरे चलिबो। एवं जो मैंने सरकारी चाकरी क्षेत्र में अच्छा उच्च पदवी संभावना रही, चाकरी जोग रही। तो यही माने सूर्यंकर गोचर आपण बहुत भल रही। रज संक्रांति ठारु आपणकर भाग्य ही बदलवाक जाउछि। तो जो मैंने लव लाइफ रे अच्छा विवाह बंधन रे बांधि हेबार संभावना रही। नेक्स्ट राशि होची धनु राशि। यही रज संक्रांति आपण बहुत भल, गोटे खुशी समय ही आनी। यही समय आपणकर मन धार्मिक प्रति अधिक रुचि बढ़िबो, आपणकर आत्मविश्वास बढ़िबो, आपणकर मानसिक चिंता दूर हेबो, आयर माने कमेबार नुआ नुआ पंथा आपण पाइबे। एवं जदि आपण शेयर बजार अच्छा तो भल टंका रोजगार आपण देखा पाइबे। यही समय आपणकर माने लाइफटा ही भल लग्जरी लाइफ आप जीवे, हस खुशी आपण एकदम शांति श्रृंखला आपणकर समयटी कटिबो। आपण बहुत भल रही। जो मैंने चाकरी खोजुंट चाकरी मिलबार फुल जोग रही, तो यही समय सठिक व्यवहार करंतु, अलसमी करंतु नहीं। एवं जो मैंने चाकरी ऑलरेडी करुछंती निज काम माध्यम रे बहुत आग को जीवे, एवं निजर काम को देखी आपणकर उच्च पदाधिकारी मैंने निज टैलेंट को देखी बहुत प्रशंसित करेंगे। तो आपण यही समय बहुत भल समय। नेक्स्ट राशि होची कुंभ राशि। यही रज संक्रांति ठारु आपणकर आत्मीय मान प्रति अत्यंत नम्र और कृतज्ञ हेबे। आपण
କାମ ଦାବିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ନିଜ ଜୀବନସାଥି ସହ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସମୟ ବିତେଇବେ, ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବେ, ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ, ହାତକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଆପଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଜବ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା କମେଇବାର ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ବାଟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପରିବାରର ଫୁଲ୍ ସପୋର୍ଟ ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ପୂରଣ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ରାଶି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି, ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଆଗରୁ ଜମି କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବାର ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଛନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କିଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଚମକିବ। ଆପଣ ଜାଗା ଜମି ଘର ସବୁକିଛି କରିବେ, ଗାଡ଼ି ବାହନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଣିବେ, ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ତାଲମେଲ ଠିକ୍ ରହିବ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାମରେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ ପାଇବେ ଏବଂ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଚେହେରାରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରୌନକ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ଚମକିବ। ମାନେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କରି କିଛି ଯଦି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିଛି। ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଭ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଛଅଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ହିଁ ଚମକିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ଟି କରିନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।